अच्छा, बाज़ लोग आजकल ये कहते हैं कि जी मौजूदा ज़माने में ग़िज़ाओं के अंदर केमिकल आ गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, लिहाजा नबज़ से 100% तशख़ीस मुमकिन नहीं है। देखिए, मैंने मैंने कहा है कि 100% एक कुदरती अमल है। अगर आप ग़ज़ाएँ तो वही है ना, या खुश्क है या गर्म है या तर है या बदल गई, वो बिल्कुल केमिकल हो फिर भी उनका असर बात तो तो वही होगी। कोई ना कोई होगा। उस असर को हमने दवाई देनी है, बात हाँ, असर ख़त्म हो को गई दवाई देनी। जी। सही, तो किसी का अपना ख्याल वो अलग है, लेकिन तिब का कानून क़यामत तक के लिए यही है जी, कि उसका मिजाज बदलेगा। और हर चीज़ जो हमारे अंदर जा रही है उसका एक मिजाज है जी। कोई भी वो केमिकल हो, कोई भी वो ग़िज़ा हो जी, या दवा हो, जो भी है उसका एक मिजाज है। बगैर मिजाज के कोई चीज़ नहीं है कोई चीज़ नहीं। जी। तो इसके अलावा आपके यहाँ कोई सिर्फ कोरस वगैरह भी होता है हुकमा के लिए? जी हुक्मा के लिए जी मेरा बकायदा एक प्रोग्राम होता था जी, हर माहाना शाहों के कोर्ट। तो मैंने क्लासें पढ़ाई हैं 5-4 साल तक, लेकिन अब क्योंकि मैं अपने उम्र के तकाजे से मजबूर हूँ, तो मैं अब वो क्लासें नहीं पढ़ा रहा। हाँ जी, वो क्लासें मैंने पढ़ाई हैं और मेरे शागिर्द जो हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। बल्कि मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, मैंने उनके ज़िम्मे भी ये बात लगाई है कि आप अपने अपने इलाके में ये 6 सबक जो हैं आप हुक्मा को पढ़ाएं। अब वो कोई कोशिश कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो ये उनका अपना अमल है। मैंने अपना फरीजा जो है वो पूरा किया। इसका अगर ऐसा कर दिया जाए कि 6 सबक को, मतलब जाहिर है एक सबक ये वो तफसीलात में तो नहीं जा रहा ना, तो 6 सबक को अगर 6 वीडियोस के अंदर 2-2 मिनट की या 3-5-5 मिनट की जितना मुनासब हो तो 6 वीडियोस बन जाए, तो ये मतलब आपके वैसे किताब में तो लिखे हुए भी है लेकिन आपकी ज़ुबान से वो। सबसे पहली हाँ बात है जी, वो मेरी किताब मेरी ज़बान है, जी ठीक है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अगली बात यह है कि कोई आदमी दर्जी का काम सीखना चाहता हो, वो किसी दर्जी के पास बैठेगा, बैठेगा उसको सिलाई उसकी करेगा, उसको जी करता हुआ देखेगा, तो फिर ही वो दर्जी बनेगा। जी